हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल मम्मी की रसोई में। तो चलिए आज हम बनाने जा रहे हैं रक्षाबंधन स्पेशल पेड़े। वो पेड़े आज हम मक्के के आटे से बनाएंगे। मावे और खोया से तो सभी पेड़े बनाते हैं, हम एक नया चीज लेके आ रहे हैं जो मक्के की आटा है। आज हम मक्के की आटा से पेड़े बनाने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए आज हम बनाने जा रहे हैं मक्के की आटे से पेड़ा। जी हाँ, आप सही सुने हैं, मक्के की आटा। ये देखिए हम दो कटोरी मक्का का आटा लिए हैं और 4 से 5 छोटी इलायची जिसे कूट लिए हैं, और ये हमारा चीनी है पीसा हुआ, हाफ कटोरी है, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा है, आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिएगा। अब ज़्यादा मीठा खाते होंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा, कम मीठा खाते होंगे तो कम डालिएगा। और इसमें हम ये देखिए 3 टेबल स्पून घी डालेंगे। हम घर का ही घी लिए हैं, पूरा एकदम मेरा देसी घी है। और सभी आटा को इसमें थोड़ा सा हम भून लेंगे। गैस को एकदम हम लो फ्लेम पे रखेंगे, नहीं तो ये मेरा मक्का का आटा जल जाएगा। एकदम लो फ्लेम पर रख के हम इसे खूब अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए हम 1 से 2 मिनट इसको भून चुके हैं। एकदम गैस का लो फ्लेम रख के बहुत ही यम्मी पेड़ा बनता है मक्के की आटा से। शायद आपने ना कभी सुना होगा ना कभी खाया होगा। बस कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, एकदम पूरा सोंधी सोंधी। अब इसमें हम दूध डालेंगे। ये देखिए हम 1 ग्लास दूध लिए हैं। ये दूध हमारा गर्म है, पूरा ठंडा नहीं है। अब इसी में हम थोड़ा थोड़ा डाल के चलाते रहेंगे। देखिए हम इसमें थोड़ा और दूध डालेंगे। ताकि पूरा अच्छे से पूरा हमारा जो पेड़ा बना रहे हैं तो पूरा एकदम गीला हो जाए। ये लगेगा नहीं क्योंकि हम इसमें घी डाल के भूने हैं। अब इसमें हम चीनी डालेंगे, पीसी हुई जो चीनी हम रखे थे उसको डाल दें। चीनी पीस के ही डालिएगा, पीसी हुई चीनी से टेस्ट बहुत अच्छा आता है और जल्दी मिल भी जाता है। लग रहा है ना एकदम मावा के पेड़े की तरह, देख रहे हैं एकदम लग रहा है कि पूरा मावा ही है। अब इसमें हम थोड़ी सी कुटी हुई इलायची डाल देंगे। अब सबको गैस का एकदम फ्लेम हम लो रख के ही सबको मिक्स करते रहेंगे थोड़ी देर, खूब अच्छे से जब मिक्स हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा पूरा मावे की पेड़ी की तरह दिख रहा है ना, एकदम मावा के जैसे। बहुत आसानी से बहुत कम इंग्रेडिएंट्स लगता है इसमें, अब बहुत अच्छा ही पेड़ा बनता है। जब भी आप मक्के की पेड़ा बनाएं तो पीली वाली आटा लें, वाइट वाली मक्के की नहीं। पीली वाली का बहुत ही अच्छा दिखने में भी लगता है, टेस्ट भी इसका अलग लगता है। देखिए इस तरह का आपका पूरा रेडी डो ऐसे हो है। 2 कटोरी आटा लिए थे, लमसम हम 250 ग्राम आटा लिए हैं और 2 ग्लास दूध यानी 500 ग्राम दूध डाले हैं। दूध जो भी डालें आप, फुल क्रीम दूध डालें, नहीं है तो आप थोड़ा सा अपने गाय का दूध हो, भैंस का दूध तो और भी अच्छा है, गाय का हो तो उसमें थोड़ा सा पाउडर मिला लें। ये देखिए अब हम गैस को बंद करेंगे, इसे थोड़ा ठंडा। ये देखिए हम हाथ में थोड़ा सा घी लगा लेंगे
और ये मेरा थोड़ा सा डो ठंडा हो गया। अब इसे देखिए ऐसे लोई के जैसे तोड़ेंगे, ऐसे बना के इस तरह हम सभी पेड़ को बना लेंगे। इसे ज़्यादा ठंडा ना करें, थोड़ा सा गर्म में ही बना लें, बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में और देखने में लग रहा है ना पूरा खोआ की पेड़ा। ये देखिए सभी पेड़े को हम कितना अच्छा बना दिए हैं। और इसमें ये देखिए एक बादाम में दो पार्ट करके इसे लगा दिए हैं। ये कोई भी पूरा बादाम नहीं है, दो पार्ट है, बहुत इजीली कट हो जाता है। आगे वाला पोर्शन से चाकू लगा के कट कर सकते हैं। और थोड़े से हम टॉपिंग के लिए काजू भी लगाए हैं, काजू को भी बीच से फाड़ दिए हैं। ये देखिए आप यदि ऐसे पेड़े घर में बनाइएगा तो सच में खाने वाला पूछेगा किस दुकान से लाए, किस मार्केट से लाए, इतना बढ़िया पेड़ा लगता है। और इसी पेड़े को ये देखिए हम थोड़ा सा गोल गोल बना लिए और इसे नारियल के बुरादे से नारियल के बुरादे में टॉपिंग करके ये देखिए सच में लग रहा है ना। देखिए एक बार में दो दो तरह की मिठाई हम बना सकते हैं। देखिए अब बहुत ही इजीली तरीका से घर के सामान से, इसमें ना बनाने में झंझट है ना कोई सामान खरीदने का झंझट है, सब कुछ बहुत ही इजीली हर मार्केट में अवेलेबल रहता है। देखिए जब रक्षाबंधन का टाइम हो तो घर में तो चार पांच तरह की मिठाइयाँ बननी ही चाहिए, तैयारियाँ तो बहुत होती है, राखी आए, तीज त्यौहार कुछ भी हो, इसीलिए ये सब हम रक्षाबंधन के लिए ही बना रहे हैं। देखिए एक बार में पेड़ा बनाइए और उससे दो तरह की मिठाइयाँ बना के आप अपने राखी वाले थाली में रखिए, बहुत ही अच्छा से बन जाता है और बहुत ही सस्ते में। ये देखिए हमारा मिठाई बनके तैयार हो चुका, वाह कितना मस्त लग रहा है ना देखने में भी और खाने में भी बहुत ही यम्मी लगता है, एकदम इजीली है बनाना भी, घर के सामान से ही बन जाता है। ये देखिए इसी पेड़े से लड्डू भी बनाए हैं हम, कितना अच्छा बना है लड्डू और दोनों पेड़े, मस्त हुआ है। आप इसे किसी भी चीज़ से टॉपिंग कर सकते हैं, नारियल के बुरादा से भी कर सकते हैं, काजू से, बादाम से, जो आपको अच्छा लगे। इसे आप डब्बा में भी पैक करके रख सकते हैं, यदि आप फ्रिज में रखना चाहें तो 10 से 15 दिन तक खा सकते हैं, फ्रिज में नहीं भी रखिएगा तो भी 4 से 5 दिन आराम से इसे खा सकते हैं। ऐसे डब्बा में पैक करके रख दीजिएगा, कोई भी गेस्ट आए तो कभी भी सर्व कर सकते हैं या जब भी खाने का मन हुआ थोड़ा सा निकाल के खा लें, मुँह मीठा हो जाए। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।